हैं, देखें बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, ये पानी यहाँ से खींचते हैं, देखें पानी यहाँ से खींचते हैं और ये ऊपर टैंकर भर रहे हैं। देखें मैं रिक्स ले रहा हूँ, मैं इनको पता नहीं है, मैं छुपके से वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें ऊपर आप देख रहे हैं टैंकर भर रहे हैं, इधर भी भर रहे हैं, वो देखें उस तरफ भी भर रहे हैं। देखें टैंकर पर लगा रहा हूँ आपके ना, बड़ा डर लग रहा है भाई, बड़ा डर लग रहा है। हमने अपना मोबाइल निकाला और हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमें थोड़ी सी फोटेज लेनी है, वो सेल्फी वगैरह लेनी है, तो नदी में उतर सकते हैं। तो उन्होंने इजाज़त दे दी दूसरों से पूछ कर, तो भाई हम नीचे उतरे हैं और वहाँ से हमने भाई कुछ क्लिप जो आपने देखे होंगे वो क्लिप हमने बड़ी कोशिश करके लिए हैं, बड़ी मुश्किल से लिए हैं। तो भाई जाने के बाद भी वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपने कोई ऐसी वीडियो वगैरह तो नहीं बनाई, उन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पर। तो मैंने मना किया कि भाई इस तरह की कोई वीडियो मैंने क्लिप नहीं बनाए। और फिर जिस तरह आपने देखा वो वीडियो बहुत ही मुश्किल से मैंने बनाई है, मोबाइल भी निकाल नहीं सकता था, बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए भाई, क्योंकि आपको पता है कि पूरी इंतजामिया यहाँ पे मौजूद होती है। तो इसके बाद हम यहाँ से निकलते, थोड़े ही आगे गए तो वहाँ पर एक टीम बैठी हुई है पूरी, वहाँ पर एक रूम बना हुआ है और उसमें 5-6 लड़के बैठे हुए और 3-4 बड़े आदमी भी मौजूद थे, शायद उनके कोई हेड हो पता नहीं। तो उनसे हमने वहाँ पर मुँह धोने के लिए और पानी पीने के लिए हमने वहाँ पर थोड़े देर स्टे किया। और स्टे करने के बाद भाई उनसे मैंने एक लड़के से कहा कि यार यहाँ पर ये पानी वगैरह जो बेच रहे हैं, ये जो पानी वगैरह लेकर जा रहे हैं, कोई बोलता नहीं है यहाँ पर, रोकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार ये कौन रोकेगा, क्योंकि पैसे चल रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका रुसलीम सलीम और एक मरतबा फिर लाया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। भाई आज की वीडियो में आप मेरे पीछे पानी देखकर समझ तो गए होंगे पानी पर है, लेकिन आज मैं कोई अपचौकी का ब्रिज की वीडियो लेकर नहीं आया हूं। जो पिछली वीडियो भी आपने देखी होगी वो ब्रिज की लेकर नहीं आया हूं, ना मैं नदी की लेकर आया हूं। इस वक्त मैं लेकर आया हूं टैंकर माफिया की वीडियो, जो कि आपको मैं बताता हूं कि टैंकर माफिया ये पानी भर कहां से रहे हैं। आपके घरों में जो कराची में हम पानी टैंकर से मंगवा रहे हैं ना, तो हम वो पानी आ कहां से रहा है उसकी तफसीलन वीडियो में आपको बताता हूँ। कोशिश करूंगा वहां जाके भी बनाऊं, क्योंकि भाई आपको पता है कि सेंसिटिव एरिया होता है, वहां पर जाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कोशिश करेंगे कि छुपकर कोई वीडियो बना सकें, कोई क्लिप ले सकें किसी बहाने से, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा वहां जाकर। लेकिन मैं अभी आपको तफसीलन बताता हूं कि हम जो घर में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं टैंकर से, वो किस तरह हम तक पहुँच रहा है, क्या वो वाकई टैंकर का पानी आ रहा है जो हम हेडिंग वगैरह से ले रहे हैं वो है, या फिर ये पानी नदी वगैरह से ले। जी हाँ बिल्कुल, ये हब डैम की हब नदी से लिया जा रहा है पानी, इस हद नदी से पानी लिया जा रहा है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हो काम भी जारी है, लेकिन इसको हम इस वक्त नहीं करेंगे, कंप्लीट वीडियो करेंगे। तो मैं आपको उसी तरफ लेकर चल रहा हूँ कि जहाँ पर ये पानी आपको भरकर घर में मिल रहा है, क्योंकि साथ साथ 8-8 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये तक भी आपको ये पानी मिल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि किस तरह ये वीडियो बन सके, कोशिश करेंगे छोटे मोटे क्लिप ले सकें जो छुप कर किसी बहाने से लेंगे इंशाल्लाह। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हम पानी, हमारे पास जो पानी आ रहा है वो कैसा है। तब देखें सबसे पहले ये कि हब नदी बहुत मशहूर नदी है, जो हब डैम से पानी आ रहा होता है वो पानी समंदर की तरफ छोड़ा जाता है, जो कि स्पिल वे के जरिए समंदर की तरफ जा रहा होता है जब वो हब डैम फुल हो गया होता है, ठीक है ना। तो आपने तफसीलन वीडियो पिछली भी देखी होगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार तफसीलन बता रहा हूँ कि ये पानी समंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर हेडिंग जो टैंकर माफिया है पूरी टीम के साथ, पूरी टीम होती है इसमें, इंतजामिया भी मौजूद हो, क्योंकि कोशिश करेंगे उनसे पता करने के बाद, क्योंकि भाई पूरी इंतजामिया मुलविस होने के बाद ही ये टैंकर यहाँ से पानी लेकर कराची की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पानी भरते हैं, जो छोटे छोटे जनरेटर भी लगे होते हैं, इससे वो पानी भरकर कराची में बेचते हैं, जो कि 7,000, 8,000, 12,000 की तरह मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं आज मौजूद हूँ हब नदी पे, और यहाँ से जो पानी माफिया, जो टैंकर माफिया है, वो पानी कराची में बेच रही है, वो किस तरह बेची है वो वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताता हूँ। तो चलते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई वो क्लिप छुप के लिया जाए, क्योंकि भाई आपको पता होता है कि डेंजर एरिया होता है वो, वहाँ पे वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए मैं वो वीडियो बनाना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये पानी हम जो टैंकर से लेकर पी रहे हैं वो साफ भी होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जानवर भी नहा रहे होते हैं, लोगों का रश भी होता है, लोग भी यहाँ पे नहा रहे होते हैं बहुत ज्यादा, और गाड़ियां भी धो रहे होते हैं, और वही पानी हम लोग घर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और पी रहे होते हैं। तो चलते हैं उस तरफ चलते हैं, और मैं तफसीलन वीडियो कोशिश करता हूँ बनाने की और आप तक पहुँचाने की। तो चलते हैं, डायरेक्ट आपको वो बताता हूँ मैं। मैंने जूमिंग किया हुआ है, आप टैंकर देख सकते हैं, वो पानी भर रहे हैं, ठीक है। अब कोशिश करनी है कि वहां जाना है, वहां से ये देखें पानी किस तरह भरते हैं वो मैं देख रहा हूँ, ये जूम करके मैं हब नदी से बना रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले। कोशिश करते हैं कि हम वहां पर जाएं और वहां पे तफसीलन वीडियो की क्लिप्स कुछ ले सके, क्योंकि भाई वहां जाना एक डेंजर एरिया है और वहां पर जाकर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है, किसी बहाने से
छोटे छोटे क्लिप बना सकता हूँ और आप तक पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये देखें टैंकर वहीं जा रहा है, देखें टैंकर पे लगा रहे हैं वहाँ पे ना, बड़ा डर लग रहा है भाई, बड़ा डर लग रहा है, सारे बलोच और मिक्स हैं यहाँ पे। देखें इस वक्त मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं पानी का टैंकर, देखें कैसे भर रहा है, ये देख रहे हैं तो टैंकर भर रहा है, ये देखें तफसील, देखो ऊपर टैंकर भर रहा है, और ये देखें आप पाइप जा रहे हैं नीचे की तरफ, और आप देख सकते हैं ये बोर लगी हुई है, मशीन लगी हुई है जो पानी आपको इनसे खींच रही है, ये देख रहे हैं, ये देखें इधर भी मशीन है, और देखें टैंकर माफिया, देखें टैंकर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये टैंकर माफिया सारे हम लोगों को पानी कैसे मिल रहा है यहाँ पर, ये देखें बड़ी बड़ी बोरें हैं आप देख सकते हैं, मशीन जनरेटर लगे हुए हैं, देखें बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, ये पानी यहाँ से खींचते हैं, देखें पानी यहाँ से खींचते हैं और ये ऊपर टैंकर भर रहे हैं। देखें मैं रिक्स ले रहा हूँ, मैं इनको पता नहीं है, मैं छुपके से वीडियो बना रहा हूँ, ये देखें ऊपर आप देख रहे हैं टैंकर भर रहे हैं, इधर भी भर रहे हैं, वो देखें उस तरफ भी भर रहे हैं, आप देख सकते हैं उधर भी टैंकर है, टैंकर माफिया, देखें उधर भी टैंकर है, तमाम मशीन भी यहाँ लगाई हुई है, आप देखें, देख रहे हैं आप तमाम मशीन भी यहाँ लगाई हुई है, मुझे टैंकर भर रहे हैं, भरने के बाद ये देखें कराची की तरफ जो हमारे लोगों तक पहुँच रहा है ये पानी, ये देखें कितना सिस्टम किया हुआ है हमारे, हम तक लाइनों में पानी कहाँ तक पहुँचेगा आप बताएं, कहाँ से पहुँचेगा, ये देखिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है, लाखों रुपए का करोड़ों रुपए का सिस्टम लगा हुआ है, देखें लाखों करोड़ों का सिस्टम लगा हुआ है, देखें वो बाईपास, ये देखें ब्रिज, आपका ब्रिज जो आपने पिछली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको बताया था आपका ब्रिज बन रहा है, देखें आपका ब्रिज हो गया, सिस्टम पूरा देखें, देखें यहाँ पानी ऊपर से कैसे जा रहा है, इन्हें पता नहीं है, मैं छुपकर बना रहा हूँ, जान का रिस्क लेकर मैं बना रहा हूँ, पूरी इंतज़ामिया मौजूद होती हैं, इनके साथ मिली भी होती है, देखें किस तरह सिस्टम बना हुआ है, आप देखें, देखें टैंकर आप देख सकते हैं, तो मैंने बड़े खतरनाक तरीके से पोस्ट लिए हुए, देखें टैंकर, देखें पानी यहाँ से निकल रहा है, ये सारा मीठा पानी है जो कराची में लोगों तक पहुँच रहा है, चलते हैं ऊपर की तरफ, लगेगा पानी भरेंगे, ये भर कर जा रहा है कराची की तरफ, ये देखें। तो भाई जैसा कि मैंने बहुत कोशिश की भाई आप लोगों तक क्लिप पहुंचाने की, बड़ी छुपकर मैंने भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहां पे मौजूद थे, हर तरह के लोग थे, आपको पता है कि ये एक पूरी एक सिस्टम होता है, पूरी एक टीम होती है और वो पूरी टीम एक काम कर रही होती है, इसमें इंतजामिया भी मौजूद होती है, क्योंकि भाई मैंने वहाँ पर एक उनसे पूछा कि भाई मुझे हब चुके जाना है तो आपको यहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता, तो उन्होंने कहा कि यार ये कोई रास्ता नहीं निकलता, ये नदी है, आपको बाईपास से ही जाना होगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर काम जारी है। तो भाई हमने ये पूछते हुए हमने छोटा सा मोबाइल लिया और हमने उनसे कहा कि भाई, हमने अपना मोबाइल निकाला और हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमें थोड़ी सी फोटेज लेनी है, वो सेल्फी वगैरह लेनी है, तो नदी में उतर सकते हैं, तो उन्होंने इजाज़त दे दी दूसरों से पूछ कर। तो भाई हम नीचे उतरे हैं और वहाँ से हमने भाई कुछ क्लिप जो आपने देखे होंगे वो क्लिप हमने बड़ी कोशिश करके लिए हैं, बहुत मुश्किल से लिए हैं, तो भाई जाने के बाद भी वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपने कोई ऐसी वीडियो वगैरह तो नहीं बनाई, उन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पर, तो मैंने मना किया कि भाई इस तरह की कोई वीडियो मैंने क्लिप नहीं बनाए, और फिर जिस तरह आपने देखा वो वीडियो बहुत ही मुश्किल से मैंने बनाई है, मोबाइल भी निकाल नहीं सकता था, बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए भाई, क्योंकि आपको पता है कि पूरी इंतजामिया यहाँ पर मौजूद होती है। तो इसके बाद हम यहाँ से निकलते थोड़े ही आगे गए तो वहाँ पर एक टीम बैठी हुई है पूरी, वहाँ पर एक रूम बना हुआ है और उसमें 5-6 लड़के बैठे हुए हैं और 3-4 बड़े आदमी भी मौजूद थे, शायद उनके कोई हेड हो पता नहीं, तो उनसे हमने वहाँ पर मुँह धोने के लिए और पानी पीने के लिए हमने वहाँ पर थोड़े देर स्टे किया, और इस्टे करने के बाद भाई उनसे मैंने एक लड़के से कहा कि यार यहाँ पर ये पानी वगैरह जो बेच रहे हैं, ये जो पानी वगैरह लेकर जा रहे हैं, कोई बोलता नहीं है यहाँ पर, रोकता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यार ये कौन रोकेगा क्योंकि पैसे चल रहे होते हैं। फिर तो हमने थोड़ी देर बाद देखा कि एक टैंकर जो आपने एक वीडियो भी देखी होगी ऑरेंज कलर का टैंकर था, वो जब पानी भरने के बाद ऊपर की तरफ आया तो उसी रूम में जो एक लड़का था, 3-4 लड़कों में से एक लड़का बाहर आया और उसको उसने 1000 रुपये की नोट दी। वो वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि वहाँ पे मोबाइल निकालना नहीं मुनासिब नहीं समझ रहा था मैं, तो 1000 रुपये निकाल कर उस बंदे के हाथ में दी और वो टैंकर वहाँ से रवाना हो गया और यहाँ पर वो अंदर जाकर बैठ गया। फिर हमने वहाँ से बाहर निकल कर नदी की तरफ आए और नदी की तरफ आकर ये वीडियो मैं आपको एंड कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह हम तक ये पानी पहुँच रहा है, यहाँ पर आप जानवर भी नहा रहे होते हैं, लोग भी आकर नहा रहे होते हैं और ये पानी हब डैम से समंदर की तरफ जा रहा होता है। तो भाई हम इंतजामिया से यही कहेंगे कि जब आप इतना पानी जाया कर रहे हैं तो भाई लोगों के घरों तक क्यों नहीं पहुंच रहा, लोगों के घरों में आसानी से पहुंचाएं। आप टैंकर माफिया को आपने ये सब चीज दी हुई है, इसमें आपका भी कमीशन होगा,
मुझे लग रहा है आपका भी कमीशन होगा, इसकी वजह से आप यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा, कोई इंतजाम बोल नहीं रही। यहाँ पे तीन चौकियां लगती है, रेंजर्स भी है, पुलिस भी है, इसके अलावा कस्टम भी है, लेकिन कोई भी रोकथाम नहीं है। इनकी तरफ से ये टैंकर होते हुए कराची जा रहे होते हैं, तो हम क्या समझो भाई कि किसकी तरफ से ये रुकावट है, किसकी तरफ से ये इनको इनके सर पे हाथ रखा गया, जिसकी वजह से वो डर नहीं रहे और कराची में 10,000, 7,000, 15,000 तक के फुल टैंकर बेच रहे होते हैं और यहाँ पर 1,000 रुपए में वो देकर निकल जाते हैं। तो भाई बहुत कोशिश की है, अपनी जान का रिस्क लेकर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो भाई ये था यहाँ पर इंतजाम पानी का, हम तक पानी क्यों नहीं पहुँच रहा, यही वजूहत है जो हम तक पानी नहीं पहुँच रहा। तो भाई इंशाल्लाह कोई और वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ मेरी हर वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। तो फिर मिलते हैं कोई ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।